अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड सी में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेजरमेंट्स के बारे में बताऊंगी। आपको पता है कि हमने जब भी किसी चीज़ को नापना होता है, ठीक है, जब भी किसी चीज़ की लेंथ को, उसकी कैपेसिटी को या उसके मास को यानी कि वज़न को नापना होता है, तो हम उसके लिए कोई स्केल इस्तेमाल करते हैं। कोई भी स्केल, जैसे लेंथ के लिए हम रूलर इस्तेमाल करते हैं या इंचेस टेप इस्तेमाल करते हैं। जब हमने वज़न नापना होता है, मास को नापना होता है, तब हम उसके लिए अपने डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने किसी चीज़ की कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाना हो, तब भी हमने उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स रखे होते हैं। तो किसी चीज़ को नापने को, उसकी लेंथ को, उसके मास को या उसकी कैपेसिटी को नापने को हम मेजरमेंट कहते हैं। आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करने जाएंगे और हम सबसे पहले लेंथ को देखेंगे। जी तो बच्चों, अपनी बुक का पेज नंबर 75 ओपन कर लें, जहाँ पे आज हम देखेंगे कि लेंथ क्या होती है। आपको पता है ना, लेंथ कहते हैं लंबाई को। अच्छा जी, अब ये होती क्या है और इसको कैसे हमने मेजर करना है, तो देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नोन एज द लेंथ। किसी भी टू पॉइंट्स के बीच में जो लंबाई होती है उसको हम लेंथ कहते हैं। अब हम इसको कैसे पता चलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन द टिप एंड द टेल ऑफ द पेंसिल इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल। जैसे आपको यहाँ पे पेंसिल नजर आ रही है ना, तो आप कहेंगे कि इसके शुरू से, टिप से इसके एंड तक जो भी बीच में इसके डिस्टेंस है, उसको हम इसकी लंबाई कहेंगे। अब मेजरिंग लेंथ, वो यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। अब हम लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो सेंटीमीटर और मीटर के होते हैं, ठीक है। शॉर्टर सब्जेक्ट्स वो यूज सेंटीमीटर, छोटी चीज़ों के लिए हम सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सेंटीमीटर्स के लिए हमारे पास रूलर या स्केल होता है, जिसके ऊपर लेंथ सेंटीमीटर्स में लिखी होती है। जैसे अगर आपने पेंसिल को मेजर करना है, तो आप आराम से अपनी ज्योमेट्री से रूलर निकालेंगे और उसको, पेंसिल को उसके साथ रख के उसको मेजर कर लेंगे। लेकिन फॉर द लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ मीटर, जिसका सिंबल होता है एम। सो वी यूज़ मेजरिंग टेप टू मेजर द लेंथ इन मीटर्स। तो हम इसको, मीटर्स को मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है आपने। अब पेज नंबर 76 पे जल्दी मेरे साथ देखें, मेजरिंग टेप नजर आ रही है। वाओ, मेटालिक मेजरिंग टेप भी है और रूलर भी है और मीटर रॉड भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हम पेंसिल को मेजर कर रहे हैं रूलर से, ठीक है। और उसके बाद जब हमने कार को मेजर करना है, तो हम मीटर वाले अपने टेप का या अपनी जो है मीटर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी वॉल जो एक बड़ी चीज़ है, वो मीटर्स में हमें लेंथ बता रही है, कार मीटर्स में लेंथ बता रही है। लेकिन जो कि हमारे क्रियोन्स हैं या हमारी पेंसिल्स हैं, पेंट ब्रशेज हैं, ये छोटी चीज़ें हैं, इसलिए इनको मेजर करने के लिए हम रूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पेज नंबर 77 पर सबसे पहले मेरे साथ देखें कि आपने किस तरह से एक कबर्ड की लेंथ को मेजर करना है। हाउ कैन वी मेजर द हाइट ऑफ द कबर्ड? हाइट ऑफ द कबर्ड इज मेजर इन मीटर्स, पता है ना, बड़ी है तो मीटर्स में आएगी। इट्स हाइट इज 1 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर्स, ठीक है बच्चों। इसी तरह आपने जब वाटर बॉटल की हाइट मेजर करनी है, तो वो सेंटीमीटर में आएगी। हाइट ऑफ माय वाटर बॉटल इज 20 सेंटीमीटर्स। किलोमीटर्स इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब मीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस को हम मेजर करने के लिए किलोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि हमारा स्कूल हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है, मेरी खाला का घर मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है, ये सुनी होंगी ना बातें, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। अब पेज नंबर 78 पर आ जाएं, जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं। टेक द रेलेवेंट यूनिट ऑफ लेंथ टू मेजर दीज। लेंथ ऑफ अ पेन छोटा है तो सेंटीमीटर्स। जी, लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर अ सूट। अब सूट है वो छोटा तो नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, इसलिए हम उसके लिए मीटर इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन योर सिटी टू एनी अदर सिटी से मुल्तान इज किलोमीटर, बिल्कुल।
Now measure the length of the following objects using centimeter ruler. तो आपने क्या करना है, अपने रूलर की मदद से इन चीजों की लेंथ को मेजर करके इसके एम्प्टी बॉक्स में लिख देना है. Now tick the objects having length more than 1 meter. किसकी लेंथ 1 meter से ज्यादा हो सकती है, किसकी हो सकती है जी, कार की हो सकती है जी. तो बच्चों ये था हमारा लेंथ का टॉपिक. अब आपको पता चला कि सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में क्या फर्क है. सेंटीमीटर हम छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि बड़ी चीज़ों को नापने के लिए हमने मीटर का इस्तेमाल करना है. और बहुत बड़ी यानी कि हमारे रास्ते, हमारी सड़कें, हमारी एक जगह से दूसरी जगह जाने का फासला, उसको हम नापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. याद रखना है आपने. और जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ के यूनिट्स क्या हैं, तो आपने झट से बता देना है सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर. ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेसन आपको बहुत फ़ायदा फ्राहम करेगा. इसलिए कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ.